क्या आपने कभी सोचा है कि सभी ब्लेड्स की शेप एक जैसी क्यों होती है? फिलहाल भारत में भी बहुत कंपनी हैं जो ब्लेड बनाने का काम करती हैं। ब्लेड एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। आमतौर पर शेविंग से लेकर हेयर कटिंग में ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी इसके आकार पर ध्यान दिया है कि आखिरकार ब्लेड को एक खास डिजाइन में क्यों बनाया जाता है, क्यों इसके डिजाइन में बदलाव नहीं किया जाता? दरअसल इसके पीछे जिलेट कंपनी, जो कि पहली इकलौती कंपनी है जिसने ब्लेड बनाने का काम शुरू किया। जिलेट कंपनी के संस्थापक किप कैंप जिलेट ने साल 1901 में अपने सहयोगी विलियम निकर्सन के साथ मिलकर ब्लेड डिजाइन किया। उस वक्त ब्लेड का डिजाइन बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं। दरअसल उस वक्त रेजर में ब्लेड को बोल्ट के जरिए फिट करना पड़ता था, इसीलिए ब्लेड के बीच में खास तरह का डिजाइन बनाया गया था। सबसे पहले जिलेट कंपनी ने ब्लू जिलेट ब्लेड का उत्पादन किया और साल 1904 में पहली बार 165 ब्लेड बनाए गए। बाद में ब्लेड बनाने की दूसरी कंपनी भी सामने आई, लेकिन उन्होंने ब्लेड की पुरानी डिजाइन को ही कॉपी किया, क्योंकि नई कंपनी के सामने दिक्कत ये थी कि उस वक्त रेजर जिलेट कंपनी के ही आते थे, इसीलिए रेजर में ब्लेड फिट करने के लिए ब्लेड की शेप पुरानी डिजाइन में ही रखनी पड़ती थी। यही कारण है कि तब से लेकर अब तक ब्लेड के डिजाइन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। The cartridge blades are now fully assembled.